मुंबई से गैस सिलेंडर फटने से 5 घर गिर गए हैं। मुंबई के चैम्बर कैंप एरिया में ये हादसा हुआ है। मकान गिरने से कई लोग मलबे में दबे हुए हैं और दमकल की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है और बचाव अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। मुंबई के चैम्बर में क्लब के पास ही पुरानी बैरक यानी 4 लूमर टाइप जो मकान है जिसमें ग्राउंड एक है, सुबह 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से 4 से 5 मकान जो है वो ढह गए। शुरुआती जो जानकारी आई है उसे पता चला कि 11 लोग फंसे थे। पहली मंजिल पर उन सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिनमें से 4 जख्मी मिले हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल कर्मी, बीएमसी कर्मी और बाकी बचाव कर्मी वहां पर मौजूद हैं और जो भी मलबा के नीचे है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई और उसमें फंसा है या नहीं, लेकिन ये प्रशासन को बताया गया कि 11 लोग थे जो पहली मंजिल में फंस गए थे, उन्हें निकाल दिया गया है जिसमें से 4 लोग जख्मी हुए हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।